नमस्कार, मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं दी भारत न्यूज। भाजपा नेता ने दलित युवक को मां बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। शिवराम उबेशनगढ़ के रहने वाले एक दलित युवक ने पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती पत्र। पीड़ित ने बताया कि क्षेत्र के एक भाजपा नेता व स्थायी उसे फोन पर जाति सूचक व मां बहन अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। जी आपको बता दें कि विशनगढ़ कस्बा निवासी नेम कुमार उर्फ पुच्चू पुत्र सुखवासी लाल ने बताया कि गांव के ही एक सुनार पर उसके 17,000 रूपए बाकी हैं। नेम कुमार ने सुनार पर जब अपने रुपए मांगे तो सुनार ने उसे डराते हुए कहा कि अभी हम रामबख्श नेता से शिकायत कर रहे हैं। कुछ देर बाद रामबख्श ने गुजरात से फोन पर अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की बात कही है। मोबाइल पर धमकी दी। पीड़ित ने थाना अध्यक्ष को रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। भाजपा नेता के खिलाफ तहरीर देकर थाने में कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर उसे पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देना पड़ा। उसने बताया कि दबंग भाजपा नेता के भय के चलते पिछले 4 दिन से वो अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा है और जिससे वो अपने परिवार के भरण पोषण में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन खिलाफ कोई पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित दहशत में है कि पीड़ित मुख्यमंत्री न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तहरीर देते हुए पीड़ित के खिलाफ मुकदमा लिखवाने की धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है, हौसले बुलंद है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस कर रही है पक्षपात। अबुल कलाम के साथ मुशर्रत अली की खास रिपोर्ट। उसके तो मैंने बात, मैं 27 तारीख मैंने बोल के हमने कहा अतुल भाई मेरे पैसे दे दो। उससे पहले क्या अभी वो उसने मुझे धमकी दी, अभी दामबख नेता जी से तुम्हारी बात करवा रहा हूँ, ठीक है। उससे हम उससे पहले 8 दिन पहले दामबख नेता जी ने मुझे दुकान पे आके धमकी दी, गाली गलौज किया और बोला अतुल अब मेरा आदमी है, उससे पैसे तू नहीं मांगेगा। 27 तारीख हमें पैसों की जरूरत पड़ी, हमने कहा लाओ मेरा पैसा है किसी से ले लें, तो हमने उनसे लिए पैसे लिए। हमने उनसे 2:30 पे फ़ोन किया, हमने कहा अतुल जी पैसे मेरे दे दो मुझे, बोल रहे अभी रुको हम नेताजी से तुम्हारी बात करवा रहे हैं। उसके 10 मिनट के बाद रामबख्श लोधी जो है हमारा हमारे मोबाइल पर उसकी कॉल होती है आती है, 6 कॉलें हमने रिसीव नहीं की, 7वीं कॉल हमने जैसी भी रिसीव की तो मुझे गाली गलौज धमकियां देने लगा। उसमें रिकॉर्डिंग उसका पूरा मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी, 3 मिनट और 20 सेकेंड की रिकॉर्डिंग है उसकी मेरे पास। दी बोला तुझे दुकान पे आके मारेंगे और तुझे पूरे चौराहे से लेते हुए तुझे मार्केट में अतुल की दुकान तक मारते हुए ले जाएंगे। रामबख्श लोधी जो विष्णु पुलिस थाना का दलाल है, 8-10 सालों से पता कराया जाए विष्णु के अंदर, तो ये नंबर एक दलाली, इसका पूरा काम है इसका दलाली करना। विष्णु में कोई विवाद होता है किसी किसी की कोई जगह जमीन बने तो इसको बस उसमें पैसा चाहिए, दलाली हमेशा दलाली चक्कर में रहता है। मेरा नाम मेरा काम फोटो स्टूडियो का है और मिनी बैंक का भी काम करता हूँ, पैसे डालने निकालना काम करता है। अतुल ने आज के 4-6 महीने पहले हमसे ट्रांसफर कराया था पैसा, तो किसी ने फ़ोन किया भैया पैसे डाल दो कुछ अभी तुम्हें दे रहे आके, मैंने इसके डाल दिए, इसने देते देते मतलब यह सिलसिला चलता रहा। 17,000 मेरा लास्ट रह गया था, हमने कहा दे दो, फिर इसने कही अभी लो मैं इधर उधर नेताजी से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। ये पार्टी क्या लिखा के रखा है, बीजेपी नेता, गाड़ियों में इसकी गाड़ी मोटर है, विष्णु जनता को उसने भयभीत कर रखा है। जैसे वो निकलेगा गाँव से मोटर बजाते हुए निकलेगा, स्विफ्ट में भी इसके डिजाइन उसमें हीटर लगा है और फॉर्चूनर है उसमें भी।